जय श्री राम। परमात्मा की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव खुश रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी हमारी हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। आज का टॉपिक है कि यदि आप यह मान लो तो आपका नाम जप अपने आप होता रहेगा, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को हम पाने के लिए नाम जप करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, या फिर कोई और भी उपाय अपनाते हो आप, वो आप पर निर्भर है कि आप कैसे परमात्मा को पाना चाहते हो। लेकिन सरल सुगम तो नाम जप ही है, और वो नाम जप यदि अपने आप ही होने लग जाए तो इससे सर्वोत्तम बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। देखिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि यानी मैं पूरी सृष्टि में हूँ और पूरी सृष्टि मुझसे है। तो सृष्टि के कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, तो हर जीव में भगवान है, हर प्राणी में भगवान है, हर व्यक्ति में भगवान है। तो आपको मानना क्या है? कोई व्यक्ति आपसे कोई वस्तु मांगने आता है और वो वस्तु आपके पास है, तो आप यदि यह मान लेते हैं कि सामने वाला भगवान है और भगवान की वस्तु मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूं, यदि आप में ये भाव आ गया और खुशी खुशी प्रसन्नता से आपने वो वस्तु उसको दे दी, और ये भाव समझ के कि मैंने भगवान को ये वस्तु अर्पण कर दी, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं, भगवान की वस्तु है, भगवान को ही अर्पण कर दी, आप परेशान नहीं हुए, दुख नहीं हुए, तो यकीन मानिएगा कि ये भाव आप में आ गया कि सामने वाला भगवान है, उसी की वस्तु है, उसी को अर्पण हो रही है, तो आपका नाम जप तो अपने आप होगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सोच जब आ जाती है तो उस व्यक्ति को बिना नाम जप किए ही भगवान मिल जाते हैं, क्योंकि न जाने किस भेष में आकर नारायण मिल जाएंगे। और नारायण किस भेष में आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो आपका काम भी कर जाएंगे, क्योंकि वो हर जीव में है, वो कुत्ते में, बिल्ली में, हर जीव में, अधम से अधम प्राणी में भी वो भगवान है। तो आपको नाम जप की आवश्यकता नहीं, नाम जप तो अपने आप ही आपका हो गया बिना करे, और भगवान आपको किसी भी जीव में से कभी भी प्रकट होकर साकार रूप में भी दर्शन दे सकते हैं। तो बस ये भाव मानने की आपको आवश्यकता है, और धीरे धीरे फिर हर जीव में आप भगवान को देखने लग जाओगे, हर प्राणी में भगवान का भाव आ जाएगा, और ये भाव इतना सर्वोत्तम है, इतना सर्वोत्तम है कि ये वाणी उसका वर्णन कर नहीं सकती। तो कोशिश करोगे तो अवश्य ही आप में ये भाव आएगा। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, कोई चीज मांगने आया, घर में चीज है, तो भाई होते हुए भी कोई देता नहीं है, मना कर देते हैं, भगवान का भाव तो सोचना दूर की बात है, चीज भी नहीं देते हैं। तो ये ऐसा करोगे तो कभी भी, चाहे फिर आप नाम जप लेना, चाहे फिर आप हवन कर लेना, चाहे आप दान कर लेना, कुछ भी कर लेना, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। फल चाहिए तो हर जीव की मदद करें, और वो भी भगवान को समझ कर कि इसमें भगवान है और ये वस्तु भी भगवान ने ही दी है, भगवान की वस्तु हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से बिना करे आपका नाम जप होगा। और यदि आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हो, या फिर ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, या फिर आगामी शिविर जून में जो दिल्ली में हो रहा है उसको आप अटेंड करना चाहते हो, सब कुछ निःशुल्क होता है, रजिस्ट्रेशन से लेकर भंडारे तक सारा आयोजन और नाम दीक्षा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ, कोई साधक अपनी इच्छा से गुरु को सेवा देना चाहे तो वो दे सकता है। तो इस नंबर पर अपना मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें 9958515054 पर। और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।